साथ संगत जी प्यार से कहना धन कार्य। आज समागम का पहला दिन और आप देश और दूर देश के अनेक स्थानों से यहाँ पे पहुँचे हैं। साथ संगत जी बाबा बूटा सिंह जी, शहनशाह जी, जगत माता जी, राज माता जी, बाबा गुरबचन सिंह जी ने ये सुंदर इमारत खड़ी करी और पिछले 36 वर्षों में बाबा हरदेव सिंह जी की रहनुमाई में ये मिशन और आगे बढ़ता गया और दुनिया के कोने कोने में छाया। ये जो आज दीवार रहित संसार आप देख रहे हैं, ना खाने पीने का भेदभाव, ना वेशभूषा का भेदभाव, ये बाबा जी की सिखलाई का ही नतीजा है। बाबा जी ने अनेकों शिक्षाएं हमको दी, कई हमने हुक्म समझ के अमल करा कईयों पे, और कईयों पे सुझाव समझ के टाल दिया कि ये मेरे लिए नहीं, ये किसी और के लिए है। पर बाबा जी का एक एक हुक्म, एक एक फरमान सबके लिए ही था। साथ संगत जी, बाबा जी ने दिन रात टूर और संगतें करके अपनी आराम की परवाह नहीं की, खाने पीने की परवाह नहीं करी, फिर भी इस वर्ष 24 अप्रैल वाले दिन बाबा जी को ये कहना पड़ा कि जो काम बाबा गुरबचन सिंह जी ने पिछले 17 वर्ष में किया वो मैं 36 वर्ष में भी नहीं कर पाया। कमी उधर से नहीं थी, कमी हम में ही थी जो हम बाबा जी के वचनों पे चल नहीं पाए, बाबा जी का एक एक फरमान हम मान नहीं पाए। बाबा जी ने जो जो हमको कमांडमेंट्स दी हम सजेशंस समझते रहे। आगे हम आशीर्वाद मांगे ओंकार से कि बाबा जी की एक एक फरमान को हम कमांडमेंट्स की तरह ही लेके उन पे चल पाएँ। एक पिता के बेटे ने उससे पूछा, पापा मैं बड़ा होके क्या बनूं? पिताजी ने फरमाया, एक नेक इंसान बनो। बस ऐसा ही नेक इंसान बाबा जी ने चाहा हम सब बने, और कुछ भी बनो मुबारक है, पहले बस इंसान बनो। बाबा जी ने भी बस इतना ही चाहा हमसे। जो जो बाबा जी की सिखलाइयों पे पूरा उतरा, जिसने जिसने बाबा जी के हुक्म को कमांडमेंट्स की तरह माना, उसने अपना जीवन भी और लोक परलोक संभाल लिया। बाबा जी के एहसानों का बदला हम कभी चुका नहीं पाएंगे। साथ संगत जी, इन हालातों में इतना प्यार देके आपने मुझे संभाला है, आशीर्वाद दो मैं भी ऐसे आपको प्यार दे पाऊँ, संभाल पाऊँ जैसा बाबा जी ने चाहा, वैसा मिशन को संभाल पाऊँ। साथ संगत जी।